हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजी वर्ल्ड। आज हम यहां पे रियलमी 3 प्रो का एक्सट्रीम लेवल पबजी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे हम पबजी प्ले करने वाले हैं एक्सट्रीम ग्राफिक सेटिंग्स में, यानी कि पबजी की सबसे हाई ग्राफिक सेटिंग्स में कंटिन्यूअसली गेम प्ले करने वाले हैं। और आपको ये बताएंगे कि सबसे हाई ग्राफिक सेटिंग्स में फुल ब्राइटनेस लेवल पे जब हम पबजी प्ले करते हैं रियलमी 3 प्रो में, तो कितना बैटरी बैकअप दे रहा है, कितना हीट हो रहा है, किस तरह का गेम प्ले और किस तरह से आप ये सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें, तो ये टेस्ट हम दो पार्ट में परफॉर्म करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम Realme 3 Pro से नॉर्मल ग्राफिक सेटिंग्स में गेम प्ले करेंगे, यानी कि HD विद हाई फ्रेम रेट जो आपको मिल जाता है उसमें गेम प्ले करेंगे और आपको ये बताएंगे कितना मोबाइल हीट हो रहा है, किस तरह का इसका गेम प्ले है, उसके साथ साथ कितना बैटरी बैकअप मोबाइल दे रहा है। फिर हम यहाँ पे एक्सट्रीम ग्राफिक सेटिंग्स अप्लाई करेंगे, यानी कि पबजी की सबसे हाई ग्राफिक सेटिंग्स अप्लाई करेंगे HDR विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट और कंटिन्यूअसली गेम प्ले करेंगे फुल ब्राइटनेस लेवल। फिर ये बताएंगे कि मोबाइल कितना हीट हो रहा है, कितना बैटरी बैकअप दे रहा है, कंपैरिजन वाइज HD विद हाई की कितना यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टेस्ट के बेसिक्स की बात करें, तो हमने Realme 3 Pro को कंप्लीट चार्ज किया, यानी 100% बैटरी कैपेसिटी है। यहाँ पे हमने ब्राइटनेस लेवल फुल कर दी है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ कर दी है और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए हमने जियो की सिम लगाई है जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट है। और कंटिन्यूअसली हमने नॉर्मल ग्राफिक सेटिंग्स में, यानी HD विथ हाई फ्रेम रेट में पबजी प्ले किया है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे HD विथ हाई फ्रेम रेट में कंटिन्यूअसली पबजी प्ले किया है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आपको गेम प्ले टेस्ट करा दें, तो आप देख सकते हैं Realme 3 Pro को कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही थी ग्राफिक्स को रेंडर करके गेम प्ले करने में। किसी भी तरह की लैगिंग फ्रेमिंग का हमें कोई इशू नजर नहीं आया, मल्टी टच और टच प्रॉपर वर्क कर रहे थे, यानी कि HD विथ हाई फ्रेम रेट प्रॉपर चल रहा था। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है किल लेने में पबजी में, जब आप HD विथ हाई फ्रेम रेट में गेम प्ले करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मेजर करके दिखा दें HD विथ हाई फ्रेम रेट में जब हम पबजी प्ले कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर को ज्यादा ले जाने के लिए मोबाइल में गेम ऑन करके इसे पिलो के नीचे रख दिया था। यानी कि ये ऐसी कंडीशन बन गई थी जिससे हीट बाहर नहीं निकल पा रही थी मोबाइल से। तो कुछ देर रखने के बाद जैसे ही हमने यहाँ टेम्परेचर मेजर किया, तो मोबाइल वैसे भी काफी हीट हो रहा था और पिलो के नीचे रखने के बाद भी काफी हीट हो चुका है। आप देख सकते हैं 61 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर पहुंच चुका है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोसेसर के पास 61 डिग्री का पहुंच चुका है। और अगर हम यहाँ पे 100% बैटरी ड्रेन या बैटरी बैकअप की बात करें, जब हम HD विथ हाई फ्रेम रेट में गेम प्ले कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे 4 आवर 50 मिनट के आसपास बैटरी बैकअप मिला, यानी कि काफी अच्छा बैटरी बैकअप देता हुआ नजर आ रहा है Realme 3 Pro HD विथ हाई फ्रेम रेट में जब हम कंटिन्यूअसली गेम प्ले कर रहे हैं फुल ब्राइटनेस लेवल पे। फिर हमने यहाँ पे HDR विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट में कंटिन्यूअसली गेम प्ले किया। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आपको ग्राफिक सेटिंग्स चेक करा दें, तो आप देख सकते हैं HDR विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट में हम यहाँ गेम प्ले कर रहे थे और गेम प्ले काफी स्मूथ था, यानी कि पहले के मुकाबले हमें काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा था। FPS हमें यहाँ पे 60 के आसपास मिल रही थी, फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहे थे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि HDR विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट में आपको काफी ज्यादा स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलेगा। और कंटिन्यूअसली हमने यहाँ पे गेम प्ले करते हुए चले गए। अब सबसे बड़ा डाउट आपके माइंड में ये होगा कि आपको Realme 3 Pro में HD विद हाई फ्रेम रेट तक का मैक्सिमम ऑप्शन मिल रहा है, तो हम HDR विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए प्ले स्टोर में काफी सारे ग्राफिक्स टूल अवेलेबल हैं जो आपके मोबाइल के ग्राफिक्स को अनलॉक कर देते हैं। उनमें से एक टूल है BAG टूल। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले आपको BAG टूल की ग्राफिक सेटिंग्स चेक करा दे, तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स क्वालिटी को HDR रखना है, इसके साथ साथ शेडो को मीडियम रखना है, रेजोल्यूशन को आपको यहाँ पे हाई रखना है और इसके अलावा आपको फ्रेम रेट को 60 कर देना है। यानी कि ये बेस्ट सेटिंग है Realme 3 Pro के लिए। इसके बाद सेटिंग्स को अप्लाई कीजिए और गेम को रन कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स में जाके देखेंगे पबजी की, तो अब आपके पास HDR विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट तक का मैक्सिमम ऑप्शन अवेलेबल होगा। और अगर हम यहाँ पे गेम प्ले की बात करें, तो आप देख सकते हैं गेम प्ले पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका है, यानी कि आपको अलग ही फील होगा, गेम प्ले काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ छोटे मोटे इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी गेम प्ले पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्मूथ रहेगा, काफी आपको अलग फील करेगा गेम। किसी भी तरह के ग्राफिक्स टूल को यूज करने से पहले उसके थोड़े से नेगेटिव रूमर्स को जान लीजिए। जैसे कि GFX टूल के बारे में काफी नेगेटिव रूमर्स है कि ID बैन हो जाती है, यानी कि पबजी की ID आपकी बैन हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम आए हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे BAG टूल की बात करें, तो BAG टूल यहाँ पे क्लेम करता है कि इसमें अगर आप BAG टूल के थ्रू गेम प्ले करते हैं, तो आपकी ID बैन नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे हम आपको BAG टूल के थ्रू ही शो कर रहे हैं गेम प्ले। और आप देख सकते हैं गेम प्ले काफी स्मूथ है, आपको कोई यहाँ पे लैगिंग या फ्रेमिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मोबाइल थोड़ा हीट होने लगा था, यानी जल्दी हीट हो रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे गेम प्ले काफी स्मूथ मिलता हुआ नजर आ रहा था।
करना। इसके साथ साथ आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन रखना भी बहुत जरूरी है अगर आप ग्राफिक्स टूल यूज करते हैं, जैसे कि अगर आपकी आईडी बहुत पुरानी है जिसपे आरपी काफी ज्यादा है या फिर आपकी आईडी आपके लिए काफी मायने रखती है तो आप किसी भी तरह के ग्राफिक्स टूल का यूज मत कीजिए। लेकिन अगर आपको गेम प्ले काफी स्मूथ चाहिए है तो फिर आप डेफिनेटली ग्राफिक्स टूल का यूज कर सकते हैं, जिनमें से सबसे अच्छा हमें BAG टूल लगा। तो यहाँ पे हमने HDR विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट में कंटिन्यूअसली गेम प्ले किया फुल ब्राइटनेस लेवल पे, और इसे भी सेम कंडीशन में रख दिया था जैसे नॉर्मल गेम प्ले में रखा था, पिलो के नीचे। थोड़ी देर हमने यहाँ पिलो के नीचे गेम ऑन करके छोड़ दिया था। फिर जब हमने इसे टेस्ट किया यानी कि टेम्परेचर मेजर किया तो आप देख सकते 60 डिग्री के ऊपर तो बॉडी पे टेम्परेचर जा चुका था और मैक्सिमम टेम्परेचर मोबाइल पे गया था 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच चुका था मोबाइल का, और मोबाइल काफी ज्यादा हीट हो चुका था, यानी कि हम मोबाइल को पकड़ रहे थे तो अलग ही फील हो रहा था कि मोबाइल ओवर हीट हो चुका है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 100% बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें तो जब हम HDR विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट में गेम प्ले कर रहे थे तो मोबाइल वैसे भी काफी हीट हो रहा था तो डेफिनेटली बैटरी भी जल्दी ड्रेन होगी। और यहाँ पे जो हमें बैटरी बैकअप मिला है वो 3 आवर 26 मिनट का मिला है, यानी 3 आवर 26 मिनट में कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया Realme 3 Pro। देखा जाए तो बैटरी बैकअप काफी कम मिला है पहले के मुकाबले, पहले हमें 4 आवर 50 मिनट के आसपास का मिल रहा था नॉर्मल गेम प्ले में, लेकिन हाई ग्राफिक्स में हमें एक तो हीट भी ज्यादा हो रहा था और साथ में बैटरी बैकअप भी काफी कम मिल रहा था। हालांकि गेम प्ले में हमें किसी भी तरह की लैगिंग फ्रेमिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन रिजल्ट कुछ इसी तरह का था, यानी कि 1 आवर 24 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ग्राफिक्स सेटिंग्स चेंज करके जब हम पबजी प्ले कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ इस तरह से पबजी प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।